नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, धोरण 10, विषय हिंदी, काव्य 13, साधु देश। जिसके कवि काका हाथरसी है, जन्म 1906, निधन 1995। आज हम कवि काका हाथरसी का जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो उसकी पहचान के बारे में जाने तो काका हाथरसी हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार है। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपके स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों के मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहां कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहां काका की अनिवार्य उपस्थित होती थी। साहित्य सर्जन के बारे में जाने तो हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं रचनाएं धर्म युग, साहित्यिक हिंदुस्तान, वीणा आदि प्रकाशित होती रहती। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। आपको कई पुरस्कार मिले हैं। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता था। इस प्रकार हम काका हाथरसी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब इस काव्य का विषय प्रवेश। साधु देश एक व्यंग्य काव्य रचना है। व्यंग्य यानी कि कटाक्ष। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते हैं, पर अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। तो हम काव्य के सारांश के बारे में, भावार्थ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुत काव्य में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। हम काव्य का शीर्षक साधुपदेश, जो इसका अर्थ ले तो सज्जन का उपदेश, इसका शीर्षक तो ऐसा होता है कि हम सज्जन के उपदेश के बारे में जाने। लेकिन इस काव्य में कवि ने व्यंग्य कटाक्ष ढोंगी बाबाओं का कटाक्ष के बारे में हमें बात की है। लेकिन कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर हमें साधु ढोंगी बाबाओं आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है कि आज हमारे समाज में ऐसे ढोंगी बाबाओं से लोगों किस तरह फंसाते जाते हैं और वो क्या करते हैं। तो पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। कवि व्यंग्य करता है ऐसे बाबाओं के पर कि आप पोथी पढ़ोगे और माला फेरोगे तो इससे तो कुछ नहीं होगा। एक और हम राम नाम जपते हैं, एक और तो हम माला राम नाम जपते हैं और गौमुखी में हाथ डालकर माला के दाने फेरते हैं। गौमुखी में हाथ डाल के माला फेरा करते हैं और इसके साथ राम नाम का जप भी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। मीठी छुरी चलाना यानी कि कहावत है। कहावत का अर्थ है कि कथनी और करनी में फर्क होना, अंतर होना। कि ऊपर से तो हम विनम्र है लेकिन अंदर से छल कपट करना कभी भी नहीं
चुकते। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम गौमुखी में हाथ डालकर माला फेरते जाते हैं और राम नाम का जप तो करते हैं, लेकिन मीठी सूरी भी चलाते रहते हैं कि ऊपर से विनम्र बनते हैं लेकिन अंदर से तो छल कपट करते रहते हैं। तो साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं न तो ज्ञानी, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और न तो उसके पास बहुत बड़ा ज्ञान भी होता है। भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न देने पड़े, इसलिए मौनी बाबा का स्वांग रचाते बैठे रहते हैं। अब स्वांग रचना यानी कि नकल करना, किसी की नकल करना, और जो नकल करेंगे उसके पास कभी ज्ञान और वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, मौन का स्वांग रचाए बैठते हैं। मौन का अर्थ है कि न बोलने का व्रत यानी कि चुप रहना। मौन रहकर जीव जगत माया संबंधित बातें मन गंठत बातें करते हैं, क्योंकि वह तो मौन रहते हैं, इसलिए सामने वाला उसके सामने तर्क करे वितर्क करे तो उसे कोई भी जवाब न देना पड़े। इसीलिए वह अपना मौन धारण करके वह स्वांग रचाए बैठे रहते हैं, यानी कि नकल करके बैठे रहते हैं और वह मौन रहकर जीव जगत माया संबंधी की बातें करते हैं। अब हम आगे का वीडियो, आगे का चार पंक्ति के सारांश हम अगले वीडियो में देखेंगे।